गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी संडे गाइज, दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग, क्योंकि आज मैं और मेरी सिस्टर्स हम लोग जा रहे हैं वेट एंड जॉय. क्या है ये, थीम पार्क या पता नहीं कुछ तो है, बट दिस इज गोना बी अ वेरी फन डे. दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग टूडे. ये मैं आपको फुल आउटफिट दिखाऊंगी थोड़ी देर से. हम लोग एक्चुअली लेट चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड टाइम पे जब उधर पहुंचना था, आई गेस वी आर गोना लीव बाय दैट टाइम फ्रॉम होम, बट कोई बात नहीं. स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग. मैं अभी रेडी होके निकलूंगी एंड मैं और आशु बाहर ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं. आशु मुझे आधे रास्ते पे ड्रॉप करें एंड देन आई एम गोना टेक अ ब्ला ब्ला कार फ्रॉम देयर. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग, यू आर गोना हैव लॉट ऑफ फन. गाइस फाइनली मैं निकल चुकी हूँ वेट एंड जॉय के लिए आशु की डांट खाते खाते. फ्रेंड्स यहाँ से जो मेरी ब्लाबला कार है, ही इज गोना रीच टू द प्लेस जहाँ से मुझे पिक करेंगे बाय 11. तो तब तक के मैं और आशु हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. मतलब इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उधर जाके ब्रेकफास्ट करने का मतलब नहीं, बिकॉज वी आर सो 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 लेट. मतलब मेरी बहनें भी लेट ही निकलती थी तो मैं भी लेट ही निकल रही. गाइज ब्लाबला से मैं जब जा रही थी तब मैं मेरी सिस्टर मतलब मैं जिस कार से जा रही थी और मेरी सिस्टर्स की कार, हम लोग बहुत मतलब वो लोग बहुत आगे चले गए और मैं बहुत आगे चली गई थी. एंड इट वाज मुंबई एक्सप्रेस वे, तो वहाँ से मुझे कुछ ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी देर वॉक करके मुझे ये ऑटो मिली है ना. अभी मैं ये ऑटो लेके जा रही हूँ टू मीट द मॉल और वहाँ से वो लोग मुझे पिक करेंगे. इट वॉज़ सो मेस इन द मॉर्निंग, बट लुक एट द व्यू गाइज, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट वॉज लुकिंग सो 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 ब्यूटिफुल. गाइज बाय द वे ऑटो वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा था और मैंने ऑटो वाले को बोला कि मुझे घर से परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली और पैसे भी कम मिले, और पैसे मांगूंगी तो मुझे घर पर बुला लेंगे. एंड ही अग्रीड टू दैट. डू आई लुक दैट यंग दैट ही अग्रीड दैट आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट? फाइनली मेरी बहनों को मैं दिखी हूँ टोल नाका से, वो लोग आ रहे हैं अभी. इट वॉज सो स्ट्रेसफुल ट्रैवल फॉर मी. इनमें से कोई एक गाड़ी है उनकी, हाँ यही जो खड़ी है टोल पे. टर्न राइट, टर्न लेफ्ट. काकी हेलो बोला. अरे हेलो हेलो आयो. पक्की ब्लॉगर बन गई ना. वेट एंड जॉय का मतलब पता क्या है? इतना घूमे हम लोग, इतना घूमे एक घंटे के बाद. दैट्स माय सिस्टर और ये आगे वेट एंड जॉय. अभी हम लोग वेट होएंगे और फिर जॉय करेंगे. गाइस फाइनली हम लोग वेट एंड जॉय पहुंच गए हैं. 6 बजे ये बंद होने वाला है और अब बज रहे 2. अब मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग, ये जो आ रहे लेट लतीफ़ किधर है, ये लोग, ये लोग आके इधर अभी फोटोज़ भी क्लिक करने वाले. हम लोग तो अंदर जाके फटाफट से चेंज करने वाले. मी लोकांनी इकडे फोटो काढायचा टाइम खूप वेस्ट केलेला आहे आणि तुमच्याकडे खूप खूप कमी टाइम आहे तुमच्याकडे. ये लोग फ्री में एंट्री मिळते, ये लोग रोज ऐसे एन्जॉय करते. थोडा व्हिडिओ आणि फोटो काढणार नाही, मी व्हिडिओ काढू शकते. आता व्हिडिओ चालू आहे तर फोटो नाही होणार. ठीक आहे गाईज, अभी हम लोग सब फोटोज क्लिक करते, देन विल सी यू ऑल. झालं का तू मंदिराच्या रांगेत उभे सगळे? आम्ही तिकीटचं शोधतोय पण आम्हाला ते काही सापडत नाहीये. सो चुल टेक मोर देन लॉन्ग. प्लीज लवकर शोधा, अर्धा दिवस आधीच गेलेला आहे तुमच्यामुळे. सो गाइज ये आविष्कार की मम्मी है, मुझे बार बार रिमाइंड करा रहे, अरे इसका ले ना वीडियो, अरे इसका वीडियो ले ले. मे बी द कूलेस्ट मॉम काकी. तो गाइज अभी हम लोग का थाम जरा चालू हो गया. गाइज अभी हम लोग फाइनली वी आर गोइंग इनसाइड. मैं तिला बोलने थोड़ा फन करा. गाइज मैं पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ सबको. ये दो शक्लें देखे आपने, ये आविष्कार हमारा सोसाइटी फ्रेंड है, ये आविष्कार की सिस्टर है, वो आविष्कार की छोटी बहन है, ये वाली सिस्टर की फ्रेंड है, ये सिस्टर की फ्रेंड है, ये आविष्कार की छोटी बहन है. नहीं गाइस ये आविष्कार की मम्मी है, तो मैं अंदर जाके दिखाती हूँ आपको सब. इसको
हमारे पीछे ये अम्यूजमेंट पार्क है, बट हम सारे लोग बहुत फट्टू है, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, तो वो देख के ही फट रही है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। ए मीपंड मीपंड पैसे मिळणं स्टार्ट होणार ना, त्याचे 50% तो आम्हाला ट्रान्सफर का, तू काय करत तर नाही, जेव्हा येते तेव्हा त्रास देतेस ना। तो भाई सॉरी, हम लोग कभी शूट कुछ कर नहीं पाए बिकॉज हम लोग बहुत बिजी हो गए थे, तो अभी हमारा फूड ब्रेक है। सगळ्यांनी एकत्र मिळून मिसळून खायचं आणि चांगलं राहायचं, आणि असं काही परवा मुलीला। आणि तिकडे अजून एक अशा प्रकारे अजून एक भाजी आलेली आहे, कुंटीत आली आहे सर कुंटी, आणि अशा प्रकारे इकडे चुट्या बनाने के काम चल रहे हैं। इकडे पंजाबी थाली आलेली आहे, सगळं सेम आहे, फक्त ही भाजी वेगळी दिली आहे। पनीर आहे, पनीर आणि खूप टेस्टी आहे, खाऊन सांगा and joy park from inside for you all, just in case if you're planning to go। मुझे तो लगता है ऐसी जगहों पे सिर्फ बच्चे enjoy कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए it was just ठीक ठाक। That's our crazy group of people for the day। और थोड़ी देर में एक बहुत सुंदर लड़की भी दिखेगी आपको, just wait। टाना बापरे बघूनच झोप आली, देखते नींद आली। हा लक्ष्य ए लक्ष्य, इट सेज व्हाट इट क्लेम्स, लेजी रिवर। और ये पागल लोग खाना खाने के बाद इतनी बड़ी राइड करने के लिए गए, मतलब इनके लाइफ का एडवेंचर खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक के। इथून जात आहेत की इथून येत आहेत?
गाइस ऑनेस्टली ये राइड ना देख के मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा था. राइड मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही थी इट वॉज लुकिंग वेरी बोरिंग, बट ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आया. मतलब वी इन्जॉयड दिस सो सो मच. ये आविष्कार की मम्मी है, रोशनी और मैं, हम तीनों गए थे ये राइड में बाय द वे. और ये लोग अभी भी वेट कर रहे हैं वहाँ पे इनके से. यू ऑल कैन सी दिस इज माय काइंड ऑफ राइड गाइस. आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट्स. आई गेस दिस इज द बेस्ट राइड. आई एम एंजॉयिंग इट सो. फ्रेंड्स सिंस हम लोग यहाँ पे बहुत लेट पहुँचे थे देर वर सो मेनी थिंग्स विच वी मिस्ड ऑन. एंड ये जो पार्क है वो शार्प 6 o'clock को बंद हो जाता है. सो ऑब्वियसली बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स हम लोग सिर्फ 2-3 राइड कर पाए. एंड बाय द टाइम वी हैड एक्चुअली स्टार्टेड एन्जॉइंग पार्क ही बंद हो गया था. सो इनकेस इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो देयर मेक श्योर दैट यू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल क्योंकि 6 बजे मैक्स ये पार्क जो है वो बंद हो जाएगा. It had started raining heavily by the time we were leaving from there. Laksh Roshni! Hello guys! Friends, it's 7:30 now and we are finally leaving. यहाँ से मैं ट्रेन से जा रही हूँ till Pune and I know light is not very good here. हाँ मला नहीं माहिती और सबकी चीज़ें घूम रही. कभी किसी का वॉच नहीं मिल रहा है, कभी किसी का फोन नहीं मिल रहा है. आई एम गोना शो यू ऑल कि रात को वेट एंजॉय कैसे लगता है. टिल देन यू कैन जस्ट मीट माय स्क्वाड अगेन. रोशनी का फ़ोन एक्चुअली हमने छुपा के रखा हुआ है. सॉरी गाइस, टिल देन आई विल जस्ट शो यू कि ये कैसे दिख रहा है यहाँ से. फ्रेंड्स आई एम फैन ऑफ वॉर्म लाइट्स इन द नाइट, स्पेशली ऐसे स्ट्रीट्स पे जब ऐसे वॉर्म लाइट्स होते हैं. आई लव 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 स्पेंडिंग टाइम आउट देयर. गाइज अभी हम लोग यहाँ पे एक रील बना रहे हैं और ये कोरियोग्राफर है. ये बैटरी में ऐसा पटकन हाँ. ताक ताक झूम झूम छपक छपक झूम झूम. बस गाइस अभी हम लोग रील बनाएंगे, आप देख लेना. फ्रेंड्स वी फाइनली लेफ्ट फ्रॉम देयर. इट वॉज टाइम टू हैव सम फन इन द कार. गाइस सबकी एनर्जी डाउन हो चुकी है अभी. अरे नहीं इधर है, नहीं इधर है, वो सॉरी नजर तो डालो. हे 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 बाप रे, कैमरा स्टार्ट होते ही गाइस एनर्जी आ गई है. आपको क्या हुआ है? रुको गाना अच्छा लग रहा है. क्या हो रहा है? ठंडी बाज रही थी उसको. भूख लगी.
लगी, वापस भूख लगी, एक्चुअली भूख लगी। हमें क्या लगा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सॉरी, नो मीडियास, नो मीडियास। आपका दिन हाय मैडम। ये मंजा आता तुम्ही लोकांनी हे दिलं तर परत नाही लागणार। इच्छा काला चर्बी हेड फेस। लोगों में जब चर्बी होती है तब लोग ऐसे करते हैं। सो गाइज आई एम फाइनली लीविंग एंड सो फ्रेंड्स यहाँ से मेरी ट्रेन है, अभी हम लोग लोनावला स्टेशन पहुंचे हैं एंड ऑल दीज गाइज आर गोना गो बैक बाय देयर कार, मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वैसे 100 नहीं बोल सकती, ए इतना तो जायला 40 मीटर का रास्ता है, बट सब लोग छोड़ने आ रहे हैं। ओह फक, गाइस मैं अभी फाइनली यहाँ पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मेरा व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम सारे पहले सब्सक्राइब करना प्लीज कर जाके। चलो बाय गाइस, बाय बाय, बस बस घर ही है तो बाय का बाय। ये वरना जाते बाप रे सारे दस। लोनावला स्टेशन और मेरे एक्सपेक्टेशन से स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खाली था, मेरी ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट थी, बट लकीली मेरे फ़ोन की जो बैटरी ड्रेन थी हमको कार में चार्जर मिल गया था। आशु इज़ गोना कम टू पिक मी अप एट दी स्टेशन वेयर आई विल बी गेटिंग डाउन इन पुणे। आई होप गाइज आपको यही ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय।